नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक अलग सा हम ग्रैंड लीग का टिप्स लेकर आए हैं जो कि आपको आईपीएल में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है और अदर सभी मैचों में काम करेगा फ्रेंड, अदर अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी, इंटरनेशनल मैच में भी वर्किंग करेगा फ्रेंड। और फ्रेंड, ऐसा मैच जो है, ऐसे तो टीम इस प्रकार से जो हम टिप्स बताने वाले हैं फ्रेंड, इस हिसाब से सभी लोग टीम बनाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा टीम जो है, जो ऐसा जो टिप्स वाला टीम जो हम बताने वाले हैं, रियलिटी में ऐसा बहुत कम बार आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो टीम लगाते हैं रोज़, लेकिन वो ड्रीम टीम में बहुत कम बार आता है ऐसा टीम। लेकिन हम लोग ऐसा टीम रोज़ क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि आज कौन सा प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, कौन सा प्लेयर आज चलेगा या किसे हम ड्रॉप कर दें। इसलिए हम लोग जो है सही प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है ग्रैंड लीग जो है विन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स है फ्रेंड जो मैं बताने वाला हूँ, उस हिसाब से भी टीम परफॉर्म करती है, जिसमें से 30-40% उस हिसाब से टीम जो है, जैसे 100 मैच अगर खेला जाएगा तो 30 मैच ऐसा होगा जो इस प्रकार से होगा। वो भी कहाँ पे होगा फ्रेंड, वहाँ पे होगा जहाँ पे रन बनने के चांस होंगे, यानी कि वो पिच जो है बैटिंग पिच होगा। तो ये जो टिप्स है फ्रेंड, वहीं पे ट्राई कीजिएगा जहाँ पे जो है बैटिंग पिच हो, जहाँ पे रन बनने का उम्मीद हो, ठीक है फ्रेंड। बॉलिंग पिच पे ऐसा टिप्स जो है ट्राई नहीं कीजिएगा, लेकिन क्योंकि बॉलिंग पिच जो है फ्रेंड, बॉलिंग पिच पे जो है विकेट गिरने का चांस होता है। और हम जो टिप्स लेकर आए हैं फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जो भी मैच लगाते हैं, और फ्रेंड ये टिप्स जो है आपको, इस टिप्स पे अगर मान लीजिए आपको अगर टीम बनाना है तो 4-5 टीम सिर्फ इस टिप्स के आधार पे बना सकते हैं, जिसमें से ज़रूर एक से दो टीम जो है आपका रैंक कर जाएगा और आप जो है ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे जो है पिच जो है बैटिंग पिच होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है ना, पूरा देखिएगा। बाद में कमेंट मत कीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, पूरा तो आप लोग देखते नहीं हैं वीडियो को और ठीक से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस हमको क्या चाहिए, बस एक लाइक चाहिए आपको, आपको एक लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो देखते हैं पास हो जाते हैं, आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से हम ये जो है सस्पिशन में रहते हैं कि हम अगला वीडियो लेकर आएँ कि नहीं लेकर आएँ। लाइक अगर आता है तो हम निश्चित ही अगला वीडियो जो है इससे अलग सा टिप्स लेकर आएंगे, कुछ अलग हिसाब से। तो फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि हम लोग जो टीम लगाते हैं 80%, ठीक है, क्या टीम लगाते हैं, रोहित शर्मा को रखना चाहते हैं, केएल राहुल को भी रखना चाहते हैं, विराट कोहली को भी रखना चाहते हैं, वन डाउन विराट कोहली आते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि किसको ड्रॉप किया जाए। और कुछ ऐसे हिसाब से भी टीम आते हैं फ्रेंड जिसमें कोई प्लेयर ड्रॉप नहीं होता है, सभी प्लेयर चल जाते हैं। तो वहीं से मेरे टिप्स है फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए आपको दोनों ओपनर वन डाउन, यानी कि दोनों ओपनर और नंबर 3, तीनों बल्लेबाज को अगर आप रखना चाहते हैं, तो तीनों बल्लेबाज को रखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि उस दिन उस बैटिंग पिच पे या उस ड्रीम टीम में वाकई में तीनों आपका फर्स्ट बैटिंग फ्रेंड, फर्स्ट बैटिंग जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है, और हम लोग टीम लगाते हैं तीनों बैट्समैन को रखना चाहते हैं, दोनों ओपनर और वन डाउन, सपोज डैट मान लीजिए, ठीक है, दोनों को रखना चाहते हैं, तीनों को रखना चाहते हैं, और उस दिन तीनों प्लेयर परफॉर्म करने वाला है, ये समझ लीजिए। तो हमारी अगली जो टीम होगी, जो बॉलिंग टीम होगी, उसके कौन कौन से बॉलर रखने हैं, कितने बॉलर रखने हैं, कौन कौन से बैट्समैन रखने हैं, किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है, ये सारे चीज़ हम बताने वाले फ्रेंड। फ्रेंड फिर से एक बार आप समझ लीजिए, फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और फिर नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपके लिए जो है डिटेल्स में दूसरा वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो पहले तो ध्यान से समझने की कोशिश की, जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट हम आपको समझाते हैं, अभी इंडिया का मैच हो रहा है, ठीक है, समझिए कि
वेस्ट इंडीज़ से। अभी हमको विराट कोहली भी पसंद है, माने हमको लग रहा है कि विराट कोहली भी आज रन मारेगा, ठीक है। ऊपर से हमको रोहित शर्मा भी लग रहा है मारेगा, ऊपर से ईशान किशन ओपनिंग करने आए या केएल राहुल ओपनिंग करने आ रहे हैं, ये दोनों प्लेयर हमको लग रहा है कि रन मारेंगे, ठीक है ना, तीनों प्लेयर रन मारेंगे। अब हमको छाटना है तो किसको छाटना है, इसमें छाटने वाली बात नहीं है, हमको लगातार तीनों प्लेयर रन मारने वाले हैं। अब इसमें हमको छाटने वाली बात वहाँ पे होती है फ्रेंड बॉलर की तरफ, यानी कि जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके कौन कौन से बॉलर को छाट दे। भाई तीनों प्लेयर अगर रन मारेगा तो उधर का बॉलिंग टाइम का जो बॉलिंग कर रही है टीम उसका तो प्लेयर फ्लॉप होगा ना भाई, तीनों प्लेयर वहीं पर रन मारेगा जहाँ पर बैटिंग पिच होगा, और बैटिंग पिच होगा तो निश्चित है कि उसका बॉलर जो है फ्लॉप होगा, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसका बॉलिंग फ्लॉप होगा। और प्लस में कैप्टन वॉइस कैप्टन इस हिसाब से टीम बनाए तो किसे दे, ये भी कॉमन चीज़ है। तो पहला बात यह है फ्रेंड कि जो टीम बॉलिंग कर रही है, ध्यान दीजिएगा कि जो टीम बॉलिंग कर रही है उसको उस टीम के मात्र दो बॉलर हमको लेना है, ठीक है ना। पहला तो नियम ये है कि हमको लगातार तीनों बैट्समैन लेना है, 1 2 3 वन डन, तो हमको अगले टीम जो बॉलिंग करे उसके मात्र दो ही बॉलर लेना है फ्रेंड। दो से ज़्यादा आप बॉलर लेना मतलब गलती मत कीजिएगा, भूल के भी गलती नहीं करना है, दो ही बॉलर लेना है, ठीक है ना। अब वहाँ पे उसके तीसरे नंबर चौथे सभी बॉलर को रखने की कोई जरूरत, मात्र दो बॉलर रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी पे लिख लीजिए कि हमको तीन बैट्समैन को रखना है लगातार शुरू के, तो अगले टीम का दो ही बॉलर लेना है। हो सके तो कुछ ऐसा टीम बने जिसमें एक ही बॉलर हो, लेकिन कम से कम दो बॉलर लेकर चलिएगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ बताते हैं फ्रेंड कि दो बॉलर में से कौन से बॉलर, यहाँ पे बात आता है कि दो बॉलर में से कौन से बॉलर और किसको छाड़ दे। तो पहला आपको पहला टीम बनाना है फ्रेंड लगातार, जैसे कि मेरे तीनों बैट्समैन को हम रख लिए, हमको लग रहा है तीनों बैट्समैन चलेंगे, तो पहला हमको टीम बनाना है कि जो टीम बॉलिंग कर रही है, अगर आप पहले से मैच खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि जो टीम बॉलिंग कर रही है, कोई सा भी टीम हो, जो आईपीएल का हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच का हो, जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके दोनों शुरुआत के कौन बॉलर है फ्रेंड, पहले आप ध्यान दीजिएगा पावर प्ले में या शुरू के दोनों ओवर कौन फेंकने आ रहे हैं। पहला टीम यही बनाइए कि उस दोनों बॉलर को आप जो है ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। अब वहाँ पर दो बॉलर हमको रखना है तो किसको रखना है, तो फ्रेंड पावर प्ले के बाद जो बॉलिंग बॉलर आते हैं उसी को रखिएगा, ठीक है। पहला स्टेप यही है फ्रेंड कि हमको दो बॉलर रखना है, और वो भी ऐसे बॉलर रखना है जो बाद में बॉलिंग कराता हो, जिसका बॉलिंग लाइनअप समझे कि 8 ओवर के बाद आता हो, 7 ओवर के बाद आता हो, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड एक टीम ऐसा बनाइएगा बॉलर के ऊपर ही, समझिए अभी हमारा बैट्समैन ही लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए फ्रेंड कि लगातार तीनों बैट्समैन हम रख लिए, ठीक है। अब दो बॉलर हमको रखना है, तो दो बॉलर में से आप एक बॉलर ऐसा रखिएगा फ्रेंड, वैसे तो फ्रेंड 80% चांस है कि शुरुआत के दोनों बॉलर फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन 10 से 20% चांस है फ्रेंड, और ये फ्रेंड T20 वर्ल्ड कप का ये टीम है, 10 से 20% चांस ये है फ्रेंड कि आपका शुरू का जो दो बॉलर है उसमें से एक बॉलर DT टीम में आएगा, या तो फर्स्ट ओवर जो बॉलिंग करता है वो, या फिर सेकेंड ओवर बॉलिंग करता हो, वो दोनों बॉलर में से कोई एक बॉलर, मात्र एक ही बॉलर फ्रेंड, दो बॉलर नहीं, दो बॉलर पर तो हम श्योर 100% नहीं, 1000% फ्रेंड गारंटी ठोकते हैं कि दोनों बॉलर नहीं आएगा, लेकिन मात्र एक कोई बॉलर आ जाएगा, वो भी क्यों आएगा फ्रेंड ये हम लॉजिक आपको बताते हैं। वो इसलिए फ्रेंड जो भी टीम है शुरू के जो दो ओवर बॉलिंग करते हैं जो बॉलर, वही बॉलर जो है आखिरी के दो ओवर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आखिरी के ओवर में मान लीजिए ये तो गारंटी है फ्रेंड, शुरू में अगर 1 2 3 हम तीनों बैट्समैन को ले रहे हैं तो शुरू में जो भी दोनों बॉलर होगा वो पिटा जाएगा, ये तो 100% गारंटी है। लेकिन यहाँ पे हो जाता है क्या फ्रेंड कि आखिरी के जो दो ओवर है वहाँ पे उनको विकेट मिल जाता है, वहाँ पे उनको जो है विकेट मिल जाता है फ्रेंड, और वहाँ पे विकेट मिलने से क्या होता है कि वो DT टीम में आ जाते हैं, और वहाँ पे विकेट ध्यान दीजिएगा वहाँ पे विकेट एक नहीं मिलता है फ्रेंड, एक मिल जाए तो 100% वो ड्रीम टीम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कोई कोई बॉलर होता है फ्रेंड आखिरी में दो विकेट निकाल जाते हैं और अपने ड्रीम टीम में जगह बनाते हैं, जैसे कि वहीं पे स्टार्क जो मिचेल स्टार्क फ्रेंड, ये ऑस्ट्रेलिया और
ऑस्ट्रेलिया और क्या बोलते हैं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच होता रहा था फ्रेंड, और ये पाकिस्तान जो है शुरू में बैटिंग कर रहे थे फ्रेंड, और आजम खान और एम रिजवान दोनों ओपनिंग जोड़ी जो है रन मार लिए, वहीं पे फ़ोकर जमान भी आकर के अच्छे खासे रन मार दिए। तो यहाँ तो लॉजिक बनता है कि फ्रेंड हमारे दोनों ओपनर बॉलर को हमको बाहर करना है, यहाँ लॉजिक यही बनता है फ्रेंड। लेकिन एक तो हमारे सेकेंड ओवर के जो बॉलर है फ्रेंड जे है हेजलवुड, वो तो बाहर हो गए, लेकिन यहाँ पे एम स्टॉक कैसे आ गए फ्रेंड, डीटी टीम में इनको तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये फ्रेंड आए हैं कि ये डेथ में बॉलिंग कराए हैं फ्रेंड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेथ, यानी कि डेथ में जो बॉलर जो बॉलिंग कराता है फ्रेंड उसका चांस होता है, अगर एक विकेट लेगा फिर भी वो माइनस में जाएगा फ्रेंड। शुरू के दो ओवर अगर कोई बैटिंग करता है और शुरू में जो बॉलिंग करता है वो माइनस में जाएगा फ्रेंड, माइनस चार पॉइंट जाएगा, लेकिन वही अगर आखिरी में दो विकेट ले रहा है तो डीटी टीम में जगह बना लेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड हम यही कहेंगे कि आप एक टीम बनाइए जिसमें शुरू के दोनों बॉलर को छाटिए, फिर मात्र 10-20% चांस है कि दोनों बॉलर आएंगे, ज़्यादातर आप कोशिश कीजिएगा दोनों को छाटने का, लेकिन फिर भी एक टीम ऐसा बनाइए जिसमें शुरू के एक बॉलर को लीजिए जो फर्स्ट ओवर बॉलिंग करता है, और एक टीम ऐसा बनाइए फ्रेंड्स कि जो सेकेंड ओवर बॉलिंग करता है उसको एक लीजिए, और एक जो है आप उसमें का आखिरी बॉलर जो जिस टीम का आखिरी बॉलर हो, जो पाँचवें नंबर चौथे नंबर का जो बॉलर है उसको लीजिए, आखिरी लीजिए और शुरू का एक लीजिए, या तो फिर आखिरी दोनों ले लीजिए, शुरू का दोनों छाड़ दीजिए। लेकिन मान लीजिए कोई सा भी बॉलर अगर दो विकेट लेता है फ्रेंड और डीटी टीम में आता है तो वहीं काफ़ी है आपको ड्रीम टीम में ग्रैनलिंग हरवाने के लिए, क्योंकि आप हार जाएंगे फ्रेंड, ग्रैनलिंग तो नहीं जीतेंगे, कुछ पैसे आपको मिलेंगे। वही भी फ्रेंड हम दूसरे बॉलर का यहाँ पर बात करें फ्रेंड, ये भी मैच हुआ था फ्रेंड T20 वर्ल्ड कप का ही है, तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फ्रेंड ये 10-20% हमारा लॉजिक जो है फेल होता है, लेकिन बाकी सब मैचों में जो भी PSL हो गया या फिर IPL हो गया, ये सब मैचों में फिर BBL ये सब में 100% वर्किंग है। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए वेस्ट इंडीज का मैच है फ्रेंड, और वेस्ट इंडीज जो है पहले बैटिंग वेस्ट इंडीज कर रहे हैं, ये न्यूजीलैंड पहले बैटिंग की है, इसका दोनों ओपनर है यहाँ पे मार्टिन गोप्टिल और डी मिचेल दोनों ओपनर है, उसके बाद जी फिलिप्स नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ तो चारों बैट्समैन आ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक बनता है फ्रेंड मात्र दो ही बॉलर लेने का, ठीक है, तो एक तो आखिरी का बॉलर हो गया जो कि आखिरी का बॉलर एडम जंपा होंगे फ्रेंड, जो पाँचवें नंबर का बॉलर आखिरी का बॉलर, अब एक बॉलर हमको लेना था, अब एक बॉलर किसको लिया जाए, या तो स्टार्क को लीजिए या फिर हेजलवुड को लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है डेथ, यानी कि हेजलवुड इस टीम में आए हैं, डेथ में बॉलिंग कराए हैं और इनको डेथ में दो विकेट मिल गया है, यहाँ पे स्टॉक जो है पिटा गए हैं और स्टॉक जो है माइनस में चले गए, लेकिन हेजलवुड को वहीं पे आखिरी में दो विकेट मिल गया फ्रेंड, तो ये ड्रीम टीम में आ गए और ड्रीम टीम में ये आ गए, और इतना तो पॉइंट दे दिया है फ्रेंड कि अब ग्रैंड लीग इन हरवाने के लिए काफ़ी है। तो मेरा लॉजिक फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि एक टीम बनाइए दोनों को छाड़ दीजिए, एक टीम बनाइए कि दोनों बॉलर में से किसी एक को लीजिए आखिरी के, यानी कि तीन टीम बनाना है जिसमें आखिरी के तीन बॉलर है उसको तीनों में रखना है, समझ गए, आखिरी के जो बॉलर है उसको तीनों में रखिए, और दो टीम ऐसे बनाइए जिसमें 1-2 बेस्ट बॉलर को हटा दीजिए फ्रेंड। अभी हम और सारा मैच हम फ्रेंड यहाँ पे बताते हैं, ये देखिए ये मैच भी फ्रेंड हुआ है इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का है, इंग्लैंड पहले बैटिंग की है फ्रेंड, और जॉस बटलर और जे बरेस्टर दोनों ओपनर को रखा गया है, ड्रीम टीम में जगह बना ली है, वहीं पे डी मलान नंबर 3 पे जगह बना ली है ले फ्रेंड, और यहाँ पे देखिएगा मात्र आखिरी के एक बॉलर जो है इस सोडी अपने ड्रीम टीम में फर्स्ट, तो यही लॉजिक बनता है कि हमको आखिरी का जो बॉलर है फ्रेंड उसको 100% रखना है, और बाकी शुरू का जो बॉलर है उसको हटा देना है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए जिम निसम इसके ऑलराउंडर है फ्रेंड, आखिरी के ये भी बॉलर हैं पार्ट टाइम, तो यही हमारा लॉजिक है फ्रेंड, ये अपना जो है जगह बना ली है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये जे बैडो, ये एम पांडे, यहाँ पे ये फ्रेंड IPL का मैच है फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि डिटेल्स में हम IPL है और IPL अभी आने वाला है तो पूरे डिटेल से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड हैदराबाद की टीम है फ्रेंड, यहाँ पे डी वार्नर ओपनर, जे बरेस्टो ओपनर, नंबर 3 मनीष पांडे वन डाउन, ये भी यानी कि लगातार यहाँ पे हमने बैटिंग लाइनअप लिया है, तो इसके जो टीम बॉलिंग कर रही है फ्रेंड
उसके बॉलर को लेना है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दीपक चहर माइनस में चले गए, इनको 14 पॉइंट जो मिला है फ्रेंड, ये कैच किए होंगे, फील्डिंग किए होंगे, इसके वजह से इनको फ्रेंड मिला होगा। दीपक चहर शुरू में बॉल कराते हैं, अब इनके जगह पे यहाँ पे तो हमको तीन बैट्समैन लेना ही लेना है, लेकिन कोई ऐसा तीन बॉलर लेना ही लेना है, लेकिन कोई ऐसा बॉलर नहीं होगा फ्रेंड जो कि 14 पॉइंट दिया होगा। मजबूरी में दीपक चहर जो है ड्रीम टीम में आ गए, क्योंकि इनका उतना पॉइंट नहीं है कि डीटी टीम में जगह बना ले 14 पॉइंट। ऐसा कोई बॉलर नहीं होगा जो विकेट नहीं लिया होगा, और ये आ गए होंगे समझिए, लेकिन इनको छोड़िए। यहाँ पे हमारे जो बॉलर है फ्रेंड एन गिरी, यहाँ पे नंबर आखिरी बॉलर है, 5B, यानी चार बॉलर के बाद पांचवें नंबर के बॉलर पे आए हैं फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर ले फ्रेंड, पहले हम एक और टीम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टीम है फ्रेंड दिल्ली की टीम है, और यहाँ पे धवन, शिखर धवन बैटिंग करने आए हैं, ओपनिंग शिखर धवन बैटिंग करने आए हैं। और यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी शो आए हैं ओपनर, नंबर 3 पे स्मिथ आए हैं। अब हमारे यहाँ पे लॉजिक क्या बनता है, हमको दो ही बॉलर तो रखना है फ्रेंड। यहाँ पे एस कॉल हो गए और यहाँ पे राशिद खान हो गए, राशिद खान भी फ्रेंड देखिएगा 7 से 8 ओवर के बाद ही आते हैं, ये लॉजिक है। और यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जे सचित है फ्रेंड, ये जे सचित जो है नंबर 8 पे बैटिंग करने वजह से आए हैं, इनको विकेट नहीं मिले है। अगर पिछला रिकॉर्ड है तो जाकर देखिएगा, ये जो है नंबर 8 पे आए हैं और 15-20 रन मार दिए जो कि ड्रीम टीम में जगह बना ली। लेकिन बॉलर तो हमको दो ही रखना है फ्रेंड, ये तो क्लियर है कि हमको दो ही बॉलर रखना है। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये चेन्नई का टीम है ठीक है ना, और इस पे भी देखिए दो ही बॉलर मात्र आए हैं, चहल जो है पावर प्ले के बाद आते हैं, चहल ड्रीम टीम में जगह बनाए हैं। वहीं पर हर्षल पटेल फ्रेंड जगह बना है, ये भी डेथ में बॉलिंग कराते हैं। वहीं पे जेमिन इसम फ्रेंड, इनको विकेट नहीं मिला हुआ फ्रेंड, जा करके आप यहाँ पे भी रिकॉर्ड कीजिएगा, नंबर 7 पे बैटिंग की है जेमिन इसम, और ये भी 15-20 रन मारे होंगे तो ये ड्रीम टीम में जगह बनाए हैं। अगर पिछला आपका रिकॉर्ड है तो वहाँ पे देखिएगा जेमिन इसम को यहाँ पे विकेट नहीं मिला था। बैटिंग के कुछ बॉलर ऐसे हैं फ्रेंड जो कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर जाते हैं और ड्रीम टीम में जो है जगह बना लेते हैं, कुछ बॉलर, सभी बॉलर नहीं, जैसे दीपक चहर हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, ये सब जैसे बॉलर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मुंबई का मैच हुआ था फ्रेंड, और मुंबई पहले बैटिंग की, डिकॉक जो है ओपनर, डिकॉक रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए दोनों, और यहाँ पे देखिएगा मात्र उसके दो ही बॉलर है फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड हम बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन की, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इतना डिटेल्स में, यहाँ पर एक और टीम हम आपको समझा देते हैं, वेस्ट इंडीज का टीम है, अंतर्राष्ट्रीय मैच है फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए बी किंग ओपनिंग करने आए हैं, एक एस ब्रुक्स जो है ओपनिंग करने हैं, दोनों ओपनिंग करने हैं, नंबर 3 पे एन पूरन आए हैं ठीक है, तीनों बैट्समैन आ गए फ्रेंड। तो पाकिस्तान जैसा टीम फ्रेंड, पाकिस्तान जैसा टीम शुरू में बॉलिंग करते हैं कौन, शाहीन अफरीदी, ऐसा बॉलर जो है फ्रेंड ड्रीम टीम में जगह नहीं बना पाया, वो आउट हो गया। देखे हैं यहाँ पर एम वसीम चौथे नंबर के बॉलर है, और एस धनी फ्रेंड तीसरे नंबर पे बॉलिंग कराने आए हैं। वहीं पे हमारा दोनों शुरू का बॉलर कौन कौन शुरू में बॉल कराते हैं फ्रेंड पाकिस्तान के, तो एक है शाहीन अफरीदी और दूसरा है इमाद वसीम फ्रेंड, इमाद वसीम लेफ्ट हैंडर, तो दोनों टीम में जगह नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए फ्रेंड, क्योंकि हमने जो है तीनों अपने बैट्समैन को रखे हैं तो वो जगह नहीं बना पाएंगे ठीक है ना। अभी यहाँ पे फ्रेंड एक टीम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ये इंडिया का मैच हुआ था फ्रेंड T20 वर्ल्ड कप के बाद, यहाँ पे इंडिया का मैच हुआ था और इंडिया और वेस्ट न्यूजीलैंड की टीम ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रोहित शर्मा ईशान किशन यहाँ पे उनके जो बॉलर है फ्रेंड, लास्ट के बॉलर ईश सोडी है और एम सैटनर, ये दोनों लास्ट के बॉलर हैं, यही जगह बना है। और वहाँ पर आप देखे होंगे फ्रेंड पिछला रिकॉर्ड में आप जाकर देखिए एल फर्गुसन जो है फ्रेंड, इनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी और ये माइनस में चले गए थे, माइनस इनका कुछ एक विकेट इनको मिला हुआ था, लेकिन वो माइनस में 20 पॉइंट इनको था, लेकिन ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर लिए, कुछ रन मार दिए जिसके वजह से इनका पॉइंट बढ़ गया और ड्रीम टीम में जगह बना लिया। और वहीं अगर बैटिंग नहीं कर पाते तो ये ड्रीम टीम में जो है जगह नहीं बना पाते, तो लॉजिक में यही है कि दो ही बॉलर रहेगा फ्रेंड, तो ये तीसरा बॉलर कैसे आ गया, तीसरा बॉलर फ्रेंड बैटिंग की वजह से कभी कभी आता है, कुछ परसेंटेज मार्जिन में
ओविल लॉक की वजह से जो बॉलर जो है बैटिंग कर लेते हैं उन सबों का, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से दो ही बॉलर आएंगे। वही पे फ्रेंड बात करें, फ्रेंड यहाँ पे एक और टीम है, फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे ये टीम है, इनके देखिएगा ओपनर 1, 2, 3 पे गुरबाज आए हैं, जादरान आए हैं नंबर 4 पे, ये चारों बैट्समैन हो गए। तो उनके बॉलर को हमको कौन सा रखना है, आखिरी के ये बॉलर 5B बॉलर यानी आखिरी के 5वें नंबर के बॉलर, और एस सरफ तीसरे नंबर के बॉलर, यानी कि आखिरी के बॉलर को ही हमको रखना है। शुरू में जो दो बॉल फेंकता है उसको फेंकना है, उसको हटा देना है हमको, चाहे वो कितना भी बड़ा बॉलर क्यों ना हो। कुछ परसेंट 10% मैच है ऐसे जो आ जाते हैं वो भी देर के बॉलिंग की वजह से, लेकिन हमारा पहला टीम यही होगा फ्रेंड, फर्स्ट टीम कि हमको शुरू के दोनों बॉलर को हटा देना है, ठीक है ना, शुरू के दोनों बॉलर को हटा देना है। और फ्रेंड हम बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, किसे बनाए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो क्लियर पॉइंट पर आते हैं। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि जो टीम का अगर हमको समझिए कि तीनों बॉलर को रखना है, सॉरी तीनों बैट्समैन को रखना है जिस टीम का, उसी के टीम को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है। अब किसको चुनना है, फर्स्ट आप चुनिएगा एक तीन से चार टीम फ्रेंड आप बनाइएगा, ठीक है ना, जिसमें एक तो आप जो है बैट्समैन को वाइस कैप्टन और उसके बॉलर को जो है कैप्टन, ठीक, एक टीम बनाइएगा उसके बैट्समैन को कैप्टन फिर उसी के बॉलर को वाइस कैप्टन। जिस टीम के आपने तीनों बैट्समैन को रखा है उसी टीम के प्लेयर को ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन 100% फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये वर्किंग टिप्स है फ्रेंड। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का ही मैच हुआ है फ्रेंड, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये इंडिया फर्स्ट बैटिंग किया है तो यहाँ पे रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, उसी का बॉलर फ्रेंड अक्षर पटेल यहाँ पे कैप्टन बन गए हैं, तो उसी टीम के प्लेयर को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड एक मैच आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए मुंबई का मैच हुआ है फ्रेंड पिछले साल, ये आईपीएल में फ्रेंड वर्किंग करेगा, आईपीएल में ज़्यादा वर्किंग करेगा फ्रेंड, ऐसे पिच पे वर्किंग करेगा फ्रेंड जो कि बैटिंग पिच हो। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड रोहित शर्मा और डीकॉक ओपनिंग करने आए हैं फ्रेंड, और यहाँ पे देखिए उसी का बॉलर को हमको कैप्टन कर लेना है फ्रेंड, उसी के बॉलर को कैप्टन कर लीजिए और उसी के बैट्समैन को चाहे तो वाइस कैप्टन कर लीजिए, या फिर जो टीम बॉलिंग करे उसके ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन कर लीजिए, बस यही, जो टीम बॉलिंग करे उसको बैट्समैन को आप कैप्टन मत कीजिएगा फ्रेंड, कैप्टन कीजिएगा जो टीम बैटिंग कर रही है उसी के बैट्समैन या बॉलर को, और वाइस कैप्टन उसी के बैट्समैन या बॉलर को, और एक टीम बना दीजिएगा जो टीम बॉलिंग कर रही है उसके ऑलराउंडर को, क्योंकि ऑलराउंडर जो है फ्रेंड एक विकेट ले लेता है, कुछ रन मार देता है, वाइस कैप्टन बन जाता है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और आपको ज़्यादा इतना समय नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम ज़्यादा अब इससे आगे नहीं समझा सकते हैं फ्रेंड, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे का वीडियो लेकर आएंगे फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।